ओके तो गाइस फिलहाल तो ये देख सकते हो ये है मेरी आरवी जो कि काफी ज्यादा मजेदार है। और फिलहाल तो मैं रेडी हो चुका हूँ अपना बॉस फाइट के लिए। चलते गाइस फटाफट से, सामने है हमारी मेडुसा। ओके तो हेलो दोस्तों, आ चुके एक और नए आर्क सेंटर्ड के एपिसोड में, तो स्वागत है आपका। तो गाइज ये एपिसोड होने वाला है हमारी इस सीरीज का लास्ट एपिसोड। और जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि मैंने तीनों आर्टिफैक्ट कलेक्ट कर लिए थे, और वो अगर आपने एपिसोड नहीं देखा तो भाई ऊपर आई बटन पे लिंक है, जल्दी से जाओ चेकआउट कर लो जाके। हर एक एक डिटेल मैंने बता रखी है कि केव कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे जाके आपको आर्टिफैक्ट मिलता है। ओके और मैंने कर लिया भाई प्रिपरेशन, वो भी बॉस फाइट के लिए, जैसे कि अपना डायनोस को ब्रीड कर लिया भाई मैंने, जितने भी सारे क्लॉ वगैरह जो भी अपना टैलेंट वगैरह चाहिए होते हैं अर्जेंटिविस और अपना ब्रोंटो वगैरह के, वो सारी चीजें कलेक्ट कर ली हैं, बाकी आर्टिफैक्ट कलेक्ट कर लिए। और बस मेरे को सिर्फ एक चीज अपग्रेड करनी है जो कि है मेरा आर्मर। अभी तक भाई मैंने अपना आर्मर अपग्रेड नहीं कर रखा है, मैं काफी सारा रिसोर्सेज भी लेके आ चुका हूं। तो फटाफट से चलते हैं आर्मर अपना रिपेयर करते हैं एंड भाई चलते हैं बॉस फाइट के तरफ। और गाइज ये सीरीज तो होने वाली खत्म, बट नेक्स्ट जो सीरीज लेके आना वो मैं लेके आना अपना पुराना वाला आर्क सर्वाइवल की, और उसमें मैं लेके आऊं भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार कौन सा मॉड खेलना चाहिए। मॉड तो बहुत सारे हैं भाई, कुछ लोग बोल रहे हैं कि काइजू खेलो, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई प्रोमेथियस खेलो, कोई लोग कह रहे हैं कि भाई प्राइमल फियर खेलो। तो यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा, प्लीज मेरे को बता दो कि ये मॉड खेलो, क्योंकि भाई आप ऐसा कहोगे कि भाई कोई भी मॉड खेलो मैं देख लूंगा, बट यार ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। ओके तो प्लीज यार अपने हिसाब का अपने अपना ओपिनियन बताओ कि आपको कौन सा मॉड अच्छा लगता है। तो देखते भाई जिन जिन लोगों का सबसे ज्यादा वोट रहेगा, जैसे कि अपना प्राइमल फियर हो गया, प्रोमेथियस हो गया, काइजू हो गया, और भी अगर कोई मॉड जानते हो भाई। ओमेगा नहीं खेलूंगा क्योंकि मेरे को ओमेगा ढंग से पता नहीं है। ओके बाकी और जितने भी मॉड्स रहेंगे ना, मिथ के हो गया और भी काफी सारे हो गए, वो सारे खेलेंगे। ओके इटर्नल हो गया सबसे अच्छा। तो भाई तो चलते गाइस जल्दी से स्टार्ट करते इस एपिसोड को। बाकी यार मेरे को ये नहीं पता कि ये जो आर्टिफैक्ट है इतने छोटे कैसे हो गए, तो एक काम करता हूं इनको मैं अपनी इन्वेंटरी में ले लेता हूं। एंड कल भाई आपने मार धार तो देखी थी, लिटरली मेरे इन्वेंटरी में कितना सामान आ चुका भाई, देख सकते हो कितना सारा सामान भरा पड़ा है। ओके और ये सारी चीजें मैं ड्रॉप से लूट के आया था। फिलहाल तो एक काम करते हैं, चलते गाइस। और आज जो मैं डायनो लेके जाने वाला हूँ ना भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरे को इस डायनो को लेके जाना चाहिए कि नहीं। वैसे तो यार पावरफुल तो है, हालांकि मैंने कल दिखाया नहीं था, बट मैं एक टेकरेक्स और टेम करके लेके आया। अब अच्छा हो सकता था, बट दिक्कत ये हो गई थी कि वहां पे एक नूब डायनो ने इसकी इफिशियंसी कम कर दी, तो ये भाई बेकार हो गया, क्योंकि भाई 270 लेवल का था जो कि बहुत ज्यादा अच्छा था, बट उसकी इफिशियंसी मार के कम कर दी इसकी, इसलिए इतना ज्यादा अच्छा नहीं निकला। बाकी मेरा एक थायला कोली हो गया। ओके तो इस थायला कोलियो को मैं इधर ही रख देता हूँ, और यार ये लैग होता है ना। बाकी अपना गिगेंटो रेप्टर हो गया एंड अपना ये रैक्स हो गया, और ये रैक्स भाई पता नहीं कहाँ डोल रहा था, तो यार मैंने तो सोचा कि इसको रख ही लेते हैं। बाकी इसकी हेल्थ वगैरह भी आ चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको भी लेके चला जाए। ओके एंड कोशिश करते हैं कि एक काम करते हैं, मेरे पास हीलिंग पोशन और ये सारी चीज़ तो बहुत ईजी बन जाएगी। अभी ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये सारी चीज़ तो मेरे पास इजी बन जाएगी। फिलहाल तो चलते गाइस आर्मर अपग्रेड करते हैं एंड करते भाई प्रिपरेशन इस चीज़ की। ओके चलो गाइस, ओके तो फिलहाल तो भाई अभी हो चुका है काम पूरा, और भाई लिटरली बता रहा हूँ इतना सारा काम किया है ना अभी मैंने, भाई थक गया भाई सच में, बहुत ज़्यादा काम कर लिया। अभी एक काम करता हूँ, जो भी सारी चीज़ें थी वो मैंने कर चुका हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या किया किया है। ओके सबसे पहले तो मैं इन डायनोस को यहाँ रख देता हूँ। टेक रेक्स को मैं समझ में नहीं आ रहा ले जाऊँ या फिर नहीं ले जाऊँ, कोई मतलब नहीं आ रहा इस डायनो का। बाकी ये थायलोकोलियो जितने भी थायलोकोलियो है ना, इन सब की मैं पहले तो सैडल चढ़ा देता हूँ एक सेकंड। और मैंने भाई स्किन भी बना रखी है थायलोकोलियो की, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा सही है, यहाँ पे देख सकते हो थायलोकोलियो की सैडल। अभी मैं इसको पहना के देखता हूँ ये कैसी लगेगी, अगर अच्छा लगता है तो भाई मैं सबके लिए बना दूंगा,
बाकी ये देख सकते हो गाइज क्या ही तगड़ा डायनो लग रहा है भाई। मैं अपना थाइलाकोलियो पे बैठूंगा क्योंकि भाई इस पे रह के मैं अपना फायर वगैरह कर सकता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। ओके फिलहाल तो ये सारी चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ रेक्स की सारी सैडल पहना देते हैं। ओके ये सारी चीज़ भी करते हैं। ओके चलो गाइज ओके चलो गाइस देख सकते हो मैंने अपने सारे रेक्सेस को भाई सैडल पहना दिया है और अभी भाई डायनो हो चुके एकदम फुल रेडी। भाई मैं मारने आ रहा हूँ अपना लास्ट बॉस जो कि अल्फा है। मैं भाई नॉर्मल डायनोस को नहीं मारूंगा, सीधे मैं अपने और बाकी डायनोस मारूंगा। बाकी इनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल यही है तो मैं मोस्टली इसी को ज्यादा आगे रखूंगा, ज्यादा प्रेफर करूंगा इसको चलाने के लिए। बाकी अभी आई थिंक इनफ हो चुके हैं, मेरे को वो बाकी तो चीज नहीं पता भाई मैं बॉस को मार पाऊंगा या नहीं मार पाऊंगा। बाकी चलो गाइस चलते फटाफट से, बाकी एक काम करते हैं एक लास्ट काम और कर लेता हूँ। रुको यार मेरे पास इतना सामान तो है कि मैं एक शॉटगन और बना सकता हूँ। यार एक शॉटगन भी बना ही लेते हैं। रुको ओ सॉरी शॉटगन इसके अंदर बनती है ना। ओके ये गई हमारी शॉटगन और इसको बना लेते हैं। एंड इसके लिए क्या चाहिए रहेगा, सारी चीज़ें हैं मेरे पास तो मेरे को दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। तो चलो गाइस ओके तो भाई फिलहाल तो मेरी जो वेपन है वो अपग्रेड हो चुका है। बाकी यार मैं इसको भी लगे हाथ कर ही लेता हूँ अगर है तो। मेरे को इसके लिए क्या चाहिए रहेगी, वुड एंड ये सारी चीज चाहिए रहेंगी। रुको ओके तो गाइस फिलहाल तो मैं रेडी हो चुका हूँ अपना पूरी तरीके से और अभी मैं रेडी हूँ भाई बॉस फाइट के लिए। तो फटाफट अपने डायनो को कैप्चर करते हैं एंड चलते भाई सारा सामान कलेक्ट करने के बाद अपना बॉस फाइट की तरफ। तो चलो गाइस चलते हैं जल्दी से। ओके ओके तो भाई फिलहाल तो मैं पहुंच चुका हूँ अपने टर्मिनल के पास एंड अभी वक्त है भाई सारे डायनोस को निकालने का जो कि भाई थोड़ा रिस्की होने वाला है क्योंकि भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इतने डायनो आएंगे भी कि नहीं यहाँ पे। ओके तो देखते हैं गाइस। अबे भाई सारे डायनो आ गए भाई, मुझे लगा कि डायनो नहीं आ पाएंगे। यार ऐसा तो नहीं है, मैं बहुत कम डायनोस लेके जा रहा हूँ, मेरे को यार समझ में नहीं आ रहा मेरे को और डायनो लेके जाने चाहिए या फिर नहीं लेके जाने चाहिए। यार उन दोनों डायनोस को भी बुला लूँ क्या भाई, यार मेरे को डर लग रहा है, मेरे को सच में नहीं पता है कि मेरे डायनोस टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे। ओके तो एक काम करता हूँ मैं सारे डायनोस को लेके आता हूँ भाई, अब सेक्रीफाइस करना है तो भाई ढंग से ही कर लेते हैं। ओके ना चलते गाइस जल्दी से। बाकी ये 9 डायनो हो गए, 3 ये एंड भाई 12-13 ही डायनो हुए तो सिर्फ यार डायनो यार समझ में तो नहीं आ रहा। अपना टाइगर को भी लेके ही चलते हैं भाई, इनके भी लेवल अप आ रखा है तो इसका भी कर ही लेते हैं। ओके ये सारे डायनोस लेके चलते हैं। बाकी ये दोनों डायनोस भी म्यूटेटेड है ना तो यार एक काम करते हैं इनको भी लेके ही चलते फिलहाल तो। चलो गाइस ओके तो भाई मैं आ चुका हूँ भाई, मैं 2-4 डायनो और लेके आ चुका हूँ ताकि यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि बाई चांस भाई बॉस है। ओके और मैं पहली बार एक मेडुसा अल्फा बॉस को मारने आ रहा हूँ तो भाई डिफिकल्टी तो हो सकती है यार, है ना। मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ कितने ज़्यादा हैवी डायनोस हो, कितने ज़्यादा हैवी डायनो होगा या फिर नहीं होगा। बाकी सालों फंसा लिया मुझे नलायक को, मेरे को तो निकलने दो एटलीस्ट। ओके तो गाइस फिलहाल तो ये देख सकते हो ये है मेरी आरवी जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है और फिलहाल तो मैं रेडी हो चुका हूँ अपना बॉस फाइट के लिए। मेरा पूरा आर्मर रेडी है, मेरा पूरा वेपन रेडी है और अभी करते गाइस बॉस फाइट को स्टार्ट। ओके तो फिलहाल तो यार ये किसका सेडल रह गया भाई, किसी का तो सेडल रह गया यार, वो भी मैंने अपग्रेड नहीं कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं यार, ये सारी चीज़ डाल देते। क्या क्या चाहिए रहेगा इसके लिए, ये हो चुके आर्टिफैक्ट। ओके ये और चाहिए रहेगा बाकी आर्टिफैक्ट। ओके तो गाइज अभी मैं समन कर सकता हूँ अपना मेडुसा अल्फा बॉस को और करते गाइज जल्दी से फटाफट से चलते हैं एंड देखते भाई वो डायनो कितना ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। फिलहाल तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि सारे डायनोज आ रहे हैं कि नहीं। ओके सारे डायनो अपने एरिए के अंदर ही हैं तो दिक्कत नहीं होने वाली मेरे हिसाब से। तो चलो गाइज मारते हैं, तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है यार लिटरली। ओके गाइस तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने मेडुसा की। हेलो व्हाट द हेक भाई, थाइलाकोलियो आए ही नहीं है भाई मेरे। गाइस ये तो कुछ ज्यादा ही गलत चीज हो गई भाई, मेरे थाइलाकोलियो आए ही नहीं है भाई। अबे नहीं भाई, पावरफुल तो वही डायनो थे यार। ओके गाइस ये थोड़ा दिक्कत हो चुकी है, बाकी फॉलो करवाते हैं एंड इन सभी को कर देते हैं एग्रेसिव एंड चलते गाइस जल्दी से भाई, देखते हैं अपना बॉस कितना ज्यादा हेल्थ है भाई अपने बॉस की।
ओके चलते गाइस फटाफट से, सामने है हमारी मेडुसा एंड ओके भाई इसकी हेल्थ कितनी है, हेल्थ देखना पड़ेगा। ओके भाई 1 मिलियन के समथिंग है, तो भाई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने वाली है फिलहाल, तो भाई एग्रेसिव करा देते हैं। जाओ भाई उधर जाओ 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 जाओ, तुम सब लड़ो जाके भाई, लड़ो जाके, मेरे को दूर ही रहना पड़ेगा ताकि भाई ये मार ना दे। ओके 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 भाई मेडुसा को काफी तेज खा तो रहे भाई, मेडुसा का स्पीड में खा रही है भाई इनको, भाई क्या स्पीड में खा रही है यार भाई साहब। ओ भाई 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 भाई, हेलो 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 भाई, मैं इनके पास नहीं आने वाला क्योंकि सीन हो जाएगा, क्योंकि भाई ये उतार देती है। एंड भाई ये है फाइनल बॉस देख सकते हो भाई साहब, हेल्थ तो काफी तेज खा रही है। ओ भाई भाई बहुत पावरफुल है यार वो डायनो, लिटरली बहुत ज्यादा पावरफुल है भाई, मैं इसके पास नहीं जाऊंगा यार, दिक्कत कर देगी ये, लड़ाई करूंगे भाई। भाई मेरा एक रेक्स चला गया है, ओके मेरा एक रेक्स मर चुका है। ओ भाई साहब खतरनाक डैमेज है भाई ये, भाई ये तो बहुत स्पीड में हेल्थ खा रही है। ओके नहीं 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 भाई नहीं, ओ भाई दूर रहो भाई, ये तो उतार रही है मेरे को, ये तो उतार रही है भाई मुझे, गाइस ये उतार रही है भाई, भाई साहब जस्ट मरते मरते बचा हूँ यार मैं। गाइस मेरा आर्मर भाई देख सकते हो, इसने मेरा आर्मर छीन दिया यार, हो यार ये तो गलत चीज है भाई। फाइनली भाई ये मरने जा रही है, बट मेरे डायनोस की हेल्थ, ओके मेरे डायनोस सेफ हैं फिलहाल के लिए तो सेफ हैं। और ये कहाँ लड़ रहा है भाई, ये कहाँ लड़ रहा है अकेला भाई, उधर जा ना, उधर जा भाई उधर जा। ओके गाइस तो फाइनली हमारी जो बॉस है मेडुसा वो मरने वाली है, और भाई मैं इसके पास नहीं जाने वाला सीरियसली बहुत ज्यादा। अरे देखो फिर से इसने उतार दिया भाई मुझे, फिर से इसने मुझे उतार दिया है, फिर से इसने मुझे उतार दिया है। ओके बॉस मरने वाली है फाइनली, ओके ओके तो फाइनली गाइज फाइनली अपनी जो मेडुसा वो मर चुकी है भाई साहब, मजा आ गया गाइज मजा आ गया। अभी मेरे को आर्टिफैक्ट और भाई सॉरी अभी मेरे को एलिमेंट वगैरह लेना पड़ेगा। ओ भाई साहब गाइज फाइनली मेडुसा भाई 600 एलिमेंट मिले ब्रो, 600 एलिमेंट कितने ज्यादा होते हैं यार, मजा ही आ गया भाई, गाइज सीरियसली मजा आ गया भाई। अभी जो इसकी इन्वेंट्री है वो किसके उसमें गई होगी मेरे को वो देखना पड़ेगा। एक काम करते सभी डायनोस को अंदर कर लेता हूँ भाई मैं, ऑलरेडी मेरी इन्वेंट्री में आ जाएगी सारी चीज़ें। ओ भाई साहब गाइस फाइनली मेडुसा मर चुकी है, और आई डोंट थिंक यहाँ पे इसकी पेटी पड़ी होगी, इसकी इन्वेंट्री पड़ी है क्या यहाँ पे, देखना पड़ेगा यार। ओके यहाँ पे पड़ी है इन्वेंट्री पड़ी है इसकी। ओके नहीं ये मेरे डायनोस की भाई, मेरे 2 डायनो शहीद हो चुके हैं। अभी अगर यहाँ पे थायला कोलियो वगैरह आते ना तो मजे आते, बाकी मेरे को थोड़ा और एक्सप्लोर करना है भाई, अभी 1.5 मिनट और है, तो गाइज थोड़ा सा एक्सप्लोर और करते हैं, कुछ और मिल जाता तो अच्छी बात रहेगी। ओके बाकी आई डोंट थिंक कुछ मिलेगा, ओके ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ गाइज कुछ यहाँ पे ऐसा नहीं है जो कि मेरे को मिल सकता है, बाकी यहाँ पे ओके रेयर फ्लावर रेयर मशरूम मिलेगा तो मैं इसका क्या ही करूँगा। ओके भाई सीरियसली ये क्या था यार, लिटरली ये क्या था यार, बहुत ज्यादा तगड़ी चीज थी भाई, रुको यार मेरे को कहाँ फेंकेगा। अरे लो भाई अपने डायनो तो गए नहीं थे भाई, मैंने जितना सोचा था कि मेरे थायला कोलियो वहाँ पे जाएंगे एंड वहाँ पे जाके फाइट करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। ओके तो फाइनली गाइस देख सकते हो मैं मार चुका हूँ अपने मेडुसा को, और भाई फटाफट से पहले घर पे चलते हैं, इसकी इन्वेंट्री वगैरह देखते हैं कि मेरे को क्या क्या मिल रखा है, और देखते हैं भाई क्या क्या अपन बना सकते हैं। ओके भाई लिटरली मुझे लगा था कि काफी ज्यादा और टाइम लगने वाला है भाई, हराया तो बहुत टाइम बाद, बट ठीक है यार। अभी ये अल्फा की ट्रॉफी यार मैं इसको क्या करूंगा, ड्रॉप करने को आ रहा है सिर्फ, इसका झंडा वगैरह कुछ तो मिलना चाहिए ना। ओके मैं इसको हटा के और कुछ नहीं लगा सकता आई थिंक, हाँ यार ये यहाँ पे नहीं लगेगी गाइस, तो ये यहाँ पे नहीं लगेगी फिलहाल, तो एक काम करते घर पे ही लगाते हैं एंड जरा चेक करते हैं कि कैसा लगेगा यार। मैंने ये चीज़ मैं पहली बार कर रहा हूँ भाई, मैंने आज तक ये सारी चीज़ें कभी नहीं करी हैं। ओके तो ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, बाकी इसको मैं बंद कर देता हूँ एंड ट्राई करते हैं गाइस। रुको यार एक काम भी कर सकता हूँ यार, रुको एक सेकेंड एक काम और कर सकता हूँ, वेट करो गाइस।
ओके गाइस, ये कुछ ज्यादा ही ओपी लग रहा है, बट यार ये इस पे सही नहीं लग रहा है यार। एक काम करता हूँ, यहाँ से ये हटा के देखता हूँ। वेट करो भाई, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। एक सेकंड यार, स्किन कहाँ गई है इसका? ओके, अभी आई थिंक ठीक लग रहा है। बाकी भाई देख सकते हो कुछ ज्यादा ही प्यारा लग रहा है भाई। तो गाइस देख सकते हो, ये है हमारी मेडुसा की स्किन और भाई मेडुसा की ट्रॉफी, जो कि भाई क्या ही प्यारी लग रही है। तो गाइस फाइनली मैंने ये सीरीज एंड कर दी और भाई काफी ज्यादा मजा आया, और आई होप आपको भी ज्यादा मजा आया। तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो प्लीज सब्सक्राइब करना, और कमेंट में जरूर बताना मेरे को कि कौन सा मोड आप देखना चाहते हो, और भाई मैप भी बता देना। भाई देखो, आप सजेस्ट करोगे तो ही तो मैं बता पाऊंगा भाई, अपने मन से करूंगा भाई, क्या पता आपको अच्छा ना लगे तो भाई दिक्कत हो सकती है। ओके, तो प्लीज यार एक अपने मन का एक मैप बता दो। ओके, जो भी भाई चाहता है कि भाई ये वाला मैप खेलो या फिर वो वाला मैप खेलो, तो भाई जरूर खेलेंगे, बट आप नाम बताओ। आपको लगता भाई जेनेसिस खेलना है तो भाई जेनेसिस भी खेलेंगे, आपको लगता है कोई और दूसरा मैप खेलना है तो भाई दूसरा मैप खेलेंगे। ओके, तो प्लीज गाइस कमेंट में जरूर बताना। चलते हैं गाइस आज के इस एपिसोड में, इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर है तो प्लीज सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और धमाकेदार सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय एंड नमस्ते।